देखो मेरे दोस्त, तुम्हारी मदद तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, कोई और मदद करने के लिए नहीं आएगा। अगर कोई अपना सा लगता है, कोई तुम्हें अपना सा समझता है, जो तुम्हारी केयर करता है, जो तुम्हें इमोशनल सपोर्ट देता है, इमोशनली समझता है, वो शायद तुम्हारी मदद करेगा। वरना किसी के आगे तुम बीन बजाओगे, किसी के आगे रोओगे, किसी के आगे सर पिटकोगे तो नहीं समझेगा। खुद को मजबूत बना के खुद की मदद करनी है हमें। लोगों पे होप रखनी छोड़ देनी है। लोग मदद नहीं करते हैं, लोग कभी भी मदद नहीं करते किसी की। वहाँ पे तुम्हारा फायदा देखेंगे, अगर इनकी इसकी मदद करूँगा तो ये मेरे काम आएगा, ये मेरी हेल्प करेगा, ये भविष्य में मेरे लिए क्या काम का है, अभी क्या काम का है, वो फायदा देखते हैं तभी मदद करते हैं। बैंक भी लोन तभी देता है जब तुम्हारे पास पैसा होता है। पैसा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता तो कोई मदद नहीं करता। ये रियलिटी चीज़ें हैं मेरे दोस्त। तो इन चीज़ों को जितना जल्दी समझ लेते हो, समझ लो मेरे दोस्त, खुद की मदद करना सीखो। खुद को 10,000 रुपये चाहिए तो मैं खुद को 10,000 रुपये कैसे दिला सकता हूँ, क्या क्या काम कर सकता हूँ, कितनी मजदूरी कर सकता हूँ, क्या एफर्ट लगा सकता हूँ, मैं कितना खुद को पुश कर सकता हूँ, मैं कितना खुद को पावरफुल बना सकता हूँ, मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर स्किल क्या है, मेरे अंदर टैलेंट क्या है, मैं दुनिया को क्या दिखा सकता हूँ, मैं खुद को कैसे आगे ले जा सकता हूँ, तभी होगा मेरे दोस्त, तभी चीज़ें काम करेगी, तभी एनर्जी काम करेगी, तभी ये एनर्जी तुम्हारी मदद करेगी, जब खुद के लिए एकदम सजाग हो जाओगे। मैं गला फाड़ फाड़ के ये बातें क्यों बताता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि कोई सही ट्रैक पे जाए, कोई सही रास्ता पसंद करे, कोई गलत चीज़ों को ना पकड़ के बैठे, कोई गलत दिशा को ना चूज कर ले, क्योंकि हर एक इंसान के पीछे अपने अच्छे अच्छे लोगों का साथ होता है, उनका इमोशनल एक भाव होता है कि ये आदमी कुछ बड़ा करे, ये आदमी अच्छी ट्रैक पे जाए, ये अपने परिवार का नाम रोशन करे, मेरा नाम रोशन करे, मैं अपने माँ बाप का नाम, कुछ भी होता है, मतलब ये चीज़ें होती हैं उनके पीछे, इसीलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ मेरे दोस्त। आई होप वीडियो वैल्यूएबल रहा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलता हूँ एक नई वीडियो, तब तक के लिए खुश रहो और हमेशा पॉजिटिव रहो।